अच्छा स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1B के ऊपर हम आए हैं। इसके अंदर सबसे पहले 1B के अंदर जो एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की जरूरत है वो है सेट म्यूटेशंस। आपको सबसे पहले ये बताया गया कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस आपको एक्सरसाइज के अंदर हम ये बता रहे हैं कि सेट को डिस्क्राइब करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट मैथड जिसके जरिए आप सेट को डिफाइन कर सकते हैं वो कहलाते हैं सेट म्यूटेशन। मेनली हम किसी भी सेट को हम थ्री टाइप से जो है ना डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट है हमारे पास सेट ऑफ वॉवल्स। सेट ऑफ वॉवल्स डिस्क्रिप्टिव म्यूटेशन के अंदर, डिस्क्रिप्टिव म्यूटेशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम जस्ट सेट का नाम देंगे और स्टेटमेंट के जरिए हम सेट को राइट करेंगे। सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। किसी भी सेट को डिस्क्रिप्टिव म्यूटेशन में लिखने का तरीका ये है, उसको हम नाम जरूर देते हैं सेट का और सिंपली जो है स्टेटमेंट के जरिए हम उसको राइट कर देते हैं। दूसरी नोटेशन है टेबुलर नोटेशन। टेबुलर नोटेशन के अंदर हम सेट के एलिमेंट्स को मेंशन करते हैं और साथ साथ सेट को इंक्लोज करते हैं कर्ली ब्रैकेट में। सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आप पता है वेल डिफाइंड है, सबको पता है ए ई आई ओ यू। ये देखिए यहां हमने इनको सेट को इंक्लोज किया कर्ली ब्रैकेट में और एलिमेंट्स ऑफ सेट को सेपरेटेड किया विद द हेल्प ऑफ कॉमास। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में हमने इसी सेट को इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट लिखा और टेबुलर नोटेशन के अंदर हमने उसको एलिमेंट उसके मेंशन किए। इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम इसी सेट को रूल के फॉर्म में लिखते हैं। रूल के फॉर्म में लिखने का तरीका यह होता है, हम उसको नाम दिया हमने ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। अच्छा आप यहां पर दो डॉट भी लगा सकते हैं, इस तरह आप लाइनिंग लगा सकते हैं। उसको पढ़ने का तरीका यह है एक्स सच दैट एक्स इज वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा आपने रूल के में लिखा, आपने इसको सेट को नेम भी दिया, रूल में एक्स सच दैट एक्स इज द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और आप इस स्टेटमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज भी किया। ये थ्री टाइप्स ऑफ नोटेशंस हैं जिनको यूज करके हम किसी भी सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये अच्छे से माइंड में रखना है कि क्वेश्चन में आपको कौन सी नोटेशन मांगी है, क्योंकि अगर आपने अकॉर्डिंग टू द नोटेशन आप क्वेश्चन को आंसर नहीं करेंगे और आप डिस्क्रिप्टिव के अंदर टेबुलर लिखेंगे तो आपका सही होने के बावजूद भी वो रॉन्ग हो जाएगा। आपने इन नोटेशंस को, डेफिनेशंस को पेज 4 और 5 को अच्छे से, इनको जो ग्रीन बॉक्सेस है उनको अच्छे से लर्न कर लेना है।